हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख और आप देख रहे हैं सर का टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करें सिक्योर एक्सेप्ट प्रॉक्सी ब्राउजर एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, एप्लीकेशन है क्या और किस प्रकार से काम करेगा, इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो का लास्ट तक बने रहना। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे आपको एक प्रॉक्सी ब्राउजर अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे एड ब्लॉकिंग ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देना, सेपिंग ऑप्शन है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन की मदद से काफी सारी कंट्रीज के सर्वर्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर फ्रीडम यूजिंग ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर फास्टर कनेक्टिविटी डाउनलोडिंग ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे काफी सारा यूजिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है गाइस इसके अंदर। तो चलिए करते हैं एप्लीकेशन का आगे का यूजिंग साइट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपको ब्राउजर अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे इजी टू यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, 20+ यहाँ से ब्राउजर आपको प्रॉक्सी दिखाई देंगे। एंड गाइस, इसके अंदर जो कि आप यहाँ से ब्लॉग साइट वगैरह ब्राउजिंग के अंदर यहाँ पे स्पीड अप कर सकते हो, यहाँ पे आप वेबसाइट सभी चीजें को यहाँ पे इजी तरीके से देख सकते हो इस ब्राउजिंग ऑप्शन के अंदर। वॉचिंग योर मोर ऑप्शन अवेलेबल। चलिए करते हैं एप्लीकेशन को ओपन, आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन का यूज साइट किस प्रकार से आएगा। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा गाइस। इसके अंदर वेट करना है, वेट करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन साइट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे गाइस ऑप्शन प्रॉक्सी, प्रॉक्सी यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि उसके बाद हिस्ट्री वगैरह दिखाई देंगे गाइस इसके अंदर आपको, हिस्ट्री वगैरह के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा होम पेज, होम पेज के बाद मोरिंग ऑप्शन एंड टैब टैप्स वगैरह जो कि आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको फेसबुक, यहाँ पे आपको अमेजोन, काफ़ी सारी चीज़ें से एप्लीकेशन सर्चिंग बार ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉक्सी के बारे में बात करता हूँ। तो प्रॉक्सी के अंदर यहाँ पे सर्वर्स दिखाई देंगे आपको कंट्रीज़ के, यहाँ पे काफ़ी सारे सिंगापुर ऑप्शन अवेलेबल से, यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं कितने सारे कंट्रीज़ के सर्वर्स ऑप्शन अवेलेबल से। कनेक्टिविटी के लिए क्या करना गाइस, इसके कनेक्टेड ऑप्शन पर टच करना है, वॉचिंग यूर ऐड करना, यहाँ पे आपको ऐड देखना है तो ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा नीचे के टाइप में सब फ्री ऑप्शन, यहाँ पे इसको क्या करना है ऐड देख लेना है गाइस। ऐड देखने के बाद कनेक्ट कर लें, जो भी ऐड आएगी जितने भी सेकंड की ऐड आएगी यहाँ पे ऐड को वॉच कर लेना और वो आपको यूजिंग साइट दे देगा गाइस यूज करने के लिए। तो आपको इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सिंगापुर का सर्वर्स कनेक्टिविटी ले चुका हूँ। अब यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी ले ली है दोस्तों, ब्राउजिंग ऑप्शन, ब्राउजिंग ऑप्शन में जो चीज इसको सर्च करके आप वॉच करना चाहते हैं यहाँ से इजिली तरीके से वॉचिंग कर सकते हो। जिस चीज को वॉच करेंगे यहाँ पे हिस्ट्री में दिखाई देगा, हिस्ट्री में दिखाई देने होम पेज वगैरह आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा, आपका मेन्यू ऑप्शन यहाँ पे आपको यहाँ पे अवेलेबल से। तो गाइस, इस प्रकार से यहाँ से आप डाउनलोडिंग, बुक मार्क्स वगैरह, प्राइवेसी सेटिंग्स एंड इसके अंदर हिस्ट्री वगैरह को आप यहाँ पे इजीली तरीके से देख सकते हो। एड ब्लॉक वगैरह सेटिंग करना है तो यहाँ पे एड ब्लॉकिंग वगैरह कर सकते हो, जनरल ऑप्शन है, बुक मार्क सेटिंग वगैरह दिखाई देंगे, डिस्प्ले सेटिंग है, प्राइवेसी पॉलिसी ऑप्शन अवेलेबल से। एंड गाइस, इस ब्राउजर और प्रॉक्सी सर्वर्स का इस प्रकार से यूज अवेलेबल है गाइस। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।